भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ल वारसी अपने यूट्यूब चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के चुनाव परिणाम के बारे में। हरियाणा के चुनावी परिणामों से कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। जिस तरह से हरियाणा के चुनाव को लेकर कांग्रेस और माननीय मोदी विरोधी मीडिया व सोशल मीडिया ने झूठ का बवंडर खड़ा कर दिया था, उसे 8 अक्टूबर के चुनावी परिणामों ने ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस जब से लोकसभा की 99 सीटें जीत गई है और श्री राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए, तब से कांग्रेस और उनके समर्थक कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री, संघ, भाजपा और हिंदुत्व पर लगातार उपहासजनक टिप्पणी करते रहते हैं। जिस तरह से अयोध्या की लोकसभा सीट की हार को विपक्षियों द्वारा प्रदर्शित किया गया, वे राम मंदिर के समर्थकों और हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोगों के जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं था। इसी का परिणाम है कि हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ता व हिंदुत्व विचारधारा वाले लोग हरियाणा में भाजपा सरकार के उपेक्षापूर्ण बर्ताव के बावजूद हिंदुत्व और देश का सम्मान सरोवर के नाम पर एकजुट होकर रात दिन मेहनत कर हरियाणा में भाजपा को जीत दिला दी और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों को आईना दिखा दिया। यही नहीं, हरियाणा के चुनाव परिणामों ने राहुल गांधी की संसद में हिंदू हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं और सपा ने फैजाबाद की सीट जीतकर अयोध्या के विचार धारा को हरा दिया है का जवाब भी दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विपक्षियों, विपक्षी मीडिया और विपक्षी सोशल मीडिया ने ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया कि मानो हरियाणा में कांग्रेस सरकार भारी बहुमत से बन रही है, परंतु पिछले 2 सप्ताह में ही हरियाणा का चुनाव पूरी तरह बदल गया और कांग्रेस के लोग भी मानने लगे थे कि चुनाव कांटे का हो गया है। हरियाणा के भाजपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं ने भाजपा की सरकार व संगठन के प्रति नाराजगी और निराशा थी, परंतु कांग्रेस की कुछ ऐसी कारगुजारियां थी जिससे उनके सामने एकमात्र भाजपा ही विकल्प थी। हरियाणा की जनता ने यह भी देखा कि कांग्रेस की अपेक्षा उसे भाजपा की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कहीं बेहतर तरीके से मिला है। हरियाणा के जनता के सामने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेशों में कांग्रेस के चुनावी वादों की हकीकत भी थी, इसलिए उन लोगों ने भाजपा के चुनावी वादों पर भरोसा किया और कांग्रेस को नकारते हुए हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बना दी। हरियाणा प्रदेश के दलित और पिछड़े भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि उनकी सच्ची हितैषी भाजपा ही है और लोकसभा चुनाव के विपरीत इन लोगों ने विधानसभा के चुनाव में भाजपा को भारी तादाद में वोट दिया। 2014 की हार के बाद भी कांग्रेस ना तो अपने संगठन में और ना ही हरियाणा में अपने नेतृत्व में बदलाव कर पाई और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सारी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना प्रभाव केंद्रीय नेतृत्व पर था कि कांग्रेस चाहते हुए भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं कर सकी। भले ही आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी का हरियाणा में ज्यादा प्रभाव नहीं था,
परंतु इंडी गठबंधन के लिए यह आवश्यक था। हरियाणा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का इंडी गठबंधन में प्रभाव कम हुआ है। हरियाणा के जनादेश को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि भाजपा शीर्ष पर पहुंचने के बाद जिन मुद्दों जैसे हिंदुत्व, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संस्कृत भाषा, धर्म स्थलों की पुनर्स्थापना आदि को अपने चुनावी एजेंडे में रखा है, उसने कहीं कम तो कहीं ज्यादा प्रभाव दिखाया है। भाजपा अपने मुद्दों पर दृढ़ है और विपक्षियों द्वारा किए जा रहे मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में खड़ी है। लोकसभा के चुनाव में जहां भाजपा ने सामाजिक न्याय और गारंटियों पर विशेष फोकस किया था और इसी के चलते शुरुआती चरणों में अयोध्या और हिंदुत्व के मुद्दे पीछे चले गए थे, वहीं हरियाणा चुनाव में विपक्षियों के मुस्लिम तुष्टीकरण और भारत की एकता अखंडता को खंडित करने वाले बयानों पर भाजपा ने जोरदार प्रहार करके इन्हें अपने चुनाव का प्रमुख अंग बना लिया था। हरियाणा में कुमारी शैलजा की भूमिका दलितों के सम्मान का विषय बन गई। उनके जात के नाम पर गाली देते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ और परिणाम स्वरूप हरियाणा में आयोजित दलित सम्मेलन में दलितों ने भाजपा के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसी तरह जींद में अति पिछड़ा सम्मेलन में भी अति पिछड़ों ने भाजपा के समर्थन का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव में जहां दलित और पिछड़ा काफी हद तक कांग्रेस में चला गया था, वहीं चार माह बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ खड़ा हो गया। चुनाव में यह भी साफ हो गया है कि जिस तरह से जाट समुदाय ने सत्ता हासिल करने के लिए जैसा व्यवहार किया, उससे अन्य समाज के लोग भाजपा की तरफ एकजुट हो गए और सरकार बनवा दी। विपक्षियों के तीन मुद्दे, जवान, पहलवान और किसान, कोई खास असर नहीं डाल पाए। भाजपा ने अग्निवीरों को समायोजित करने की घोषणा कर इन मुद्दों को भी शांत कर दिया। किसान आंदोलनकारियों का ज्यादा असर अंबाला में था, परंतु सारे विपक्षी किसान मिलकर भी श्री अनिल विज को हरा न सके। श्री भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कांग्रेस के अंदर फैला आंतरिक असंतोष भी कांग्रेस को भारी पड़ा। भाजपा का संगठन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आसन्न महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी जीतेगी। हरियाणा के चुनावी नतीजों ने भाजपा को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह अपने मुद्दों पर डट रहे और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को संगठन व सरकार में प्राथमिकता दे, अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जायज आकांक्षाओं की पूर्ति करे तथा नेतृत्व स्तर पर व्यक्ति का महत्व रहे, परंतु उसके भरोसे चुनाव जीतने की अपेक्षा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको साथी, आपको भाई अनिल शुक्लवार से पूर्ण सांसद। थैंक यू वेरी मच।